करना ही हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है। परम सौभाग्य भी है जो स्वामी भक्ति कर ले जाए और स्वामी को प्राप्त कर ले जाए, उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। जगत में दुर्लभ रतन यही है। दुर्लभ रतन क्या है? दुर्लभ रतन समर संत सदगुरु है। ये जगत में दुर्लभ रत्न है। ये रत्न जिसको मिल जाए वो तो मालामाल हो जाएगा, हर प्रकार से खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु तो अनामी महाप्रभु है। और वो मिलने पर
सब कुछ मिल जाएगा, पूरा का पूरा ज्ञान होगा और पूरे ज्ञान और ध्यान के साथ पूरी दया मेहर हो जाएगी। प्रेमियों, जब स्वामी सतगुरु सूरत जीव आत्मा को समझाते हैं, भेद बताते हैं, तो कुल भेद बता देते हैं नीचे से ऊपर तक, कुछ भी बचा नहीं रहता। जैसे रात्रि में आप लोगों ने राम के देश तक सुना, अब आगे का जो भेद है वो तुमको बताया जा रहा है। प्रेमियों, उधर अंड की रचना है, अंडराया, अंडजराया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। उधर ब्रह्मपुरी है, अंड की रचना है, लाल मंडल है और बड़ा ही सुखमय। इसी पर मीरा बाई गई तो उन्होंने कहा, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई। वैसे इसमें से बहुत से प्रेमी गए और उन्होंने फटक शिला पर जब गुरु महाराज को देखा तो गुलाबी रंग के थे, लाल रंग के थे। लाल रंग कई प्रकार का होता है और असली लाल तो लालो लाल ही होता है। सुबह जब सूर्य भगवान निकलते हैं, तब जब सूर्य भगवान निकलते हैं तब आप सुबह सुबह देखिए कि समरसम सतगुरु वो स्वामी नामी जो उस लाल मंडल पे बैठा है किस तरह का। प्रेमियों, इसमें से बहुत से साधक प्रेमी ऊपर गए, ऊपर जाने पर उन्होंने जब स्वामी महाराज को देखा तो वो मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, अपने आप को तो देख नहीं रहे, स्वामी महाराज के स्वरूप को देख कर जो मुस्कुरा रहे। देख रहे हैं स्वामी महाराज बिल्कुल लालो लाल हैं, चमाचम होली खेल के आए हैं और उन्हें लगता है आज होली है, तो आज स्वामी महाराज के संग होली खेली जाए, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। बड़ा अद्भुत दिव्य नजारा, अद्भुत और अलौकिक देश जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ओंकार का देश है। इस ओंकार के देश में त्रिवेणी संगम उनके चरणों में बैठे, वहां स्वामी सदगुरु के साथ में त्रिवेणी में जब सूरत जीवात्मा स्नान करती है तो ब्रह्म पर जो संचित कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते, ब्रह्म रसाई प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, भूत भविष्य सब कुछ हो जान सकता है। ऐसी दया मेहर स्वामी और सदगुरु की होती है। देखो इस जगत में एक भिलिंगी नाम का कीड़ा होता है जिसको बिलनी कहती है, वो बिलनी मिट्टी का बिल बनाती है, देखो वो लगी हुई है, ये लगाए हुए है बिलनी, इसमें रहती है कीड़ा, भिलिंगी कीड़ा, वो भी ओंकार का जाप करता है, उसके बच्चे पैदा नहीं होते। वो झींगुर को पकड़ के लाता है, उनकी दाढ़ी मोच काट करके और मिट्टी के अंदर उसको बंद कर देता है, बाहर उस कोठरी के बाहर बैठ करके ओंकार का जाप करता है, अखंड जाप उसका चालू रहता है, जब तक अपने तरीके का नहीं बना लेता तब तक वो अखंड जाप बंद नहीं करता। जब ओंकार के नाम लेने से वो झींगुर भिड़ंगी कीड़ा बन सकता है,
उस अध्यात्म नाम में इतनी बड़ी पावर है कि अब और जब आप लोग गुरु महाराज बताते थे दूसरे नाम को अन्न की बिंदी का उच्चारण, तो जब इस तरह आपका स्वर अंदर में श्वास के ऊपर जाएगा तो उधर टकराएगा तो उनकी पूरी दया नहीं होगी, पूरा ललाट लालू लाल हो जाएगा और चपला जैसी चमक हो जाएगी, बादलों की गड़गड़ाहट होगी और मृदंग बाजा बजेगा, बिजली भी लपालप चमकेगी, ऐसा घना घोर होगा कि आपको लगेगा कि बादल बाहर गरज रहे हैं पर बादल तो अंदर में गरज रहे हैं, मधुर मधुर गरज घनघोरा, उधर मधुर मधुर मीठी मीठी आवाज में गर्जना हो रही है और उस ओंकार के देश को सूरज जीवात्मा देख रहे, पूरे देश पे सुरसर सत्ता भी पीना पारा नाना भक्त सृष्टि विस्तारा, सुरसर सत्ता को भेद देखता है और विभिन्न जंगल पहाड़ नदी नदियों सारी संरचनाओं को देखता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी अवतार वहां पे है वो कुल चीजों को देखता है और इन चीजों को देख करके वो लिखते हैं कि अकहा है अपार है, लिखने में नहीं आ रहा क्या है, बहुत बड़ा है, विस्तार से तो नहीं लिखा जा सकता, बस सूक्ष्म प्रकार से ये इशारा किया जाता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, बहुत बड़ी चीज है। फिर उस ओंकार के देश से बाहर ब्रह्म की तरफ बंद कनाल से होते हुए ऊपर चलते हैं और पार ब्रह्म में जब पहुंचते हैं तो मानसरोवर में स्नान करते हैं। मानसरोवर पर ये सूरत जीवात्मा में जाकर के खड़ी हो जाती है, दाहिने हाथ पर समरसम शुरू होते हैं, कुछ तो संकल्प विकल्प करती है और कुछ तो पहुंच करके झमाझम बुड्ढी मारने लगती है, स्नान करने लगती हो, जैसे स्नान करती हो निर्मल पवित्र हो जाती, सुरत सुरत का रूप हो जाती है और जो थोड़ा संकालु डरालु प्रवृत्ति के होते हैं तो थोड़ा धीरे से छूटते हैं, कुछ को डांट देते हैं गुरु महाराज और जो कुछ कहते हैं कहते जब स्वामी महाराज तो किस प्रकार का डर मारो जमान, उन्हें कोई डर भय नहीं होता, पर प्रवृत्ति के कई जीव होते उस धाम पर स्नान करने के बाद वहां की सुगंधित धारा देखने के बाद सीढ़िया चपला जैसी सब समझने के बाद अपने स्वामी के साथ आगे बढ़ती है और वहां आरती होती है, कहने के लिए तो सूरतों की आरती होती है पर असली आरती स्वामी की होती है, लगता है कि सूरतों की हो रही हमारी हो रही पर वो स्वामी की आरती हो रही, बड़ी साज सज्जा बड़ी कटीगरी कारीगरियों के गेट और ऐसे दिव्य मंडल जो आपने कभी देखा नहीं, ये श्री हरि का देश असली राम का देश जहां पर तुम्हारे सारे संचित कर्म सब कुछ खत्म हो गया, सूक्ष्म कारण लिंग शरीर ये जो खोल थे ये उतर गए, सूरत जीवात्मा फुर्सत पा गई, छुट्टी हो गई, अब उड़े चलेगी तेजी से, तो इसीलिए इसी को राम का असली देश कहा जाता है, हरि का देश कहा जाता है। अब यहाँ मुक्ति उसको मिल चुकी है, मुक्ति मोक्ष परम पद, अभी परम पद नहीं मिला, मुक्ति मिली तो इस स्थान पे वो है
तो फिर वो साधना में नीचे आती है और धीरे धीरे से कार्य करती रही। नित पथ सतगुरु के साथ जाना, ऊपर के मंडलों का भ्रमण करना, सुबह शाम जाना आना, ये हमारा तुम्हारा लक्ष्य है। जो बताते हैं कि 50,000 सेवा दे दो फलाने महाराज के चरण में गिर जाओ मुक्ति मिल जाएगी, कभी भी नहीं मिलेगी। मुक्ति नाम भजन करने से ही मिलती है, किसी के चरणों में गिरने से नहीं मिलती। चरण में उसके गिरोगे जिसने तुमको नाम दिया है, रास्ता बताया है, जिस जो अंदर बाहर मिल चुका है और जो अंदर बाहर मिलता है उसी के चरणों में गिरोगे। प्रेमियों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा जी रहा करते। महात्मा जी पूरे थे, पहुंचे हुए थे, उनके कई शिष्य थे। तो शिष्य रोज गांव नगर शहर में भिक्षा मांगने जाया करते। तो रोज भिक्षा मांगने वो अपने आश्रम से जाया करते थे। रास्ते में साहूकार सेठ का मकान था, उस पे एक पिंजड़े में एक तोता टंगा हुआ था और रोज वो उसी में पाठ पढ़ा करता था। और ये शिष्य बराबर जाते, आवाज लगाते, गुरु मेरी बंदी छो, गुरु मेरी बंदी छो, गुरु मेरी बंदी छोड़, हे माता राम भिक्षाम दे। घर घर में जा करके भिक्षा प्रदान करते और वापस आते। इस आवाज को तोता सुनता है। एक दिन वो शिष्य सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए। 3 बार यही कहा, गुरु मेरी बंदी छोड़, गुरु मेरी बंदी छोड़, भिक्षाम दे। सेठ जी कुछ लाने के लिए अंदर में चले गए भिक्षा देने के लिए। तोता सामने पिंजरे में टका है, तो तोते ने अपनी आवाज में कहा, इधर आओ। तो शिष्य गया तो कहा, कह रहे हो गुरु मेरी बंदी छोड़, ये अपने गुरु से पूछ के कल बैठा ना, हमारी बंदी कब छूटेगी, अपने गुरु से पूछ करके मुझको बता देना हमारी बंदी कब छूटेगी। कहा ठीक है बताएंगे। इच्छा ले लिया, कहा बताना जरूर, नहीं मैं आवाज दूंगा, कहा जरूर बताऊंगा। इच्छा लेकर के चले गए। गुरु महाराज का सत्संग हुआ, सत्संग सुने, भोजन प्रसाद के सब सो गए। दूसरे दिन सुबह फिर भिक्षा मांगने का जब टाइम हुआ तो आश्रम से नाश्ता पानी करके जब निकलने लगे तो उन्हें याद आ गया कि गुरु महाराज से पूछ ले, उस तोते ने कहा कि मेरी बंदी कब छूटेगी। अब वो अपने समर संत गुरु के आगे पहुंचे और कहा, महाराज, ये स्वामी महाराज, गुरु महाराज, ये तो तोता सेठ जी के दरवाजे पर पिंजरे में बंद है और उसने पूछा, अपने गुरु से पूछ करके बताना कि मेरी बंदी कब छूटेगी। इतना सुनते ही गुरु महाराज, अब गुरु महाराज इसी तरह सांस बंद करके गिर गए। अब अंदर की सांस, अंदर बाहर की सांस, बाहर शिष्यों ने कहा, बड़ा बुरा हो गया भैया, इस तोते ने तो हमारे गुरु महाराज के प्राण ही लिए, अब हमको दोष लगेगा, ना हक हमने पूछा, बड़ा पछतावा हो रहा, अभी गुरु महाराज उल्टे पड़े। फिर थोड़ी देर के बाद उठ करके बैठ गए, बोला, अरे कहा गुरु महाराज क्या हो गया था, कहा भाई तोते को यही बता देना मुझको क्या हो गया था।
अरे कहा उस तोते फोते को तो मारो गोली, आप वही से अभी तो चले गए थे, आप गुस्सा जका था ही नहीं, तो आप बताओ उस तोते की वजह से ऐसा हुआ, हम जानते तो नहीं बोलते। कहा कोई बात नहीं बच्चू, उस तोते को बता देना मैंने जो किया वो बता देना, मैं ठीक हूं। मुझको कैसा था, कहा स्वामी महाराज नाक खुलती थी न हिलती थी न सांस आती थी न जाती थी, बिल्कुल डेड बॉडी स्पायर, राम नाम सत्य। तो कहा भाई तोते को बता देना। अब इन शिष्यों का दिमाग खराब, इस तोते ने कैसा फंसाया, अगर दोबारा कहीं पूछ रहे तो गुरु महाराज चले जाएंगे। अब वो तोते को कोसते कोसते जा रहे हैं, अब रास्ता तो वही है बनिए कि सेठ के दरवाजे पर से निकले। तोते ने देखा कहा इधर आओ इधर आओ, तुम्हारे गुरु महाराज ने क्या बताया, हमारे गुरु महाराज ने तेरी बात पूछने से गुरु महाराज हमारे बेहोश हो गए, सांस अंदर की अंदर बाहर की बाहर, सांस नहीं आ रही थी, आंख भी नहीं हिल रही थी, यही जो है हमारे गुरु महाराज को हुआ। बाद में कहा तो देख बता देना, अब तुम जान तुम्हारा काम जाने बात इतना तो आप सुनते हो और तोता भी धम, अंदर की सांस अंदर बाहर की, ना पंख हिल रहा ना हिल रही ना सांस चल रहा। बनिया ने देखा अरे तोते को क्या हो गया, अरे गया देखा तो डाकर कहा तो मार रहे। तोता स्टाइल से वही गुरु महाराज वाली पड़ा है चुपचाप, कहा तोता तो मार गया, बस पिंजड़े से ऐसे खोला और तोते को निकाला और लेकर के बाहर गया। क्या है फेंका दूर गिरा भाग, अब दूर वो तो गिरा, उसने धीरे से आंख खोल के देखा कि वह सेठ उधर जा रहा, बस फटाक से उठा दे फट 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 9-2-11। अब वो फटाक से डॉक्टर अरे सेठ ने कहा अरे सारा ये तो चोरी कर रहा था, इसने तो कोई बेवकूफी है तो मुझको बना दिया। वो डर पे बैठा कहा गुरु ने मेरी बंदी छोड़ दी, गुरु ने मेरी बंदी छोड़ दी, गुरु ने मेरी बंदी छोड़ दी। अब सेठ हक्कर बक्का कह रहा है क्या कह रहा है, गुरु मेरी बंदी छोड़ दी, गुरु ने मेरी बंदी छोड़ दी। अब वो तो छूट गया था, डर तो था ही, अब उसे तो नीले गगन में आसमान में और देश में विचरण करना था, तो पिंजरे से आजाद हो ही चुका था। आए प्रेमियों, इसी तरह अपने स्वामी के वचन पर जब तुम पालन करोगे, अपने स्वामी के वचन पर लगन लगाओगे तो तुम्हारी भी बंदी छूट जाएगी। जिस तरह तोते की छूट गई, उस तरह इस पिंजरे से तुम्हारी भी बंदी छूट जाएगी। ये भी तो पिंजरा है जिसमें ये सूरत जीवात्मा बंद है। आए प्रेमियों, ये जो संत मत की कहानियां होती हैं बड़ी रहस्यमयी और गुणमयी होती है। तो प्रेमी उधर पार ब्रह्म के दर्शन करने के बाद महाकाल पुरुष के दर्शन के लिए सूरत जीवात्मा अपने सतगुरु के साथ उधर महाकाल पुरुष के दरबार में जाती है। वहां बंसीधर महाकाल पुरुष के दर्शन को करती है और वहां भुजा पसार करके नाचती है। उस अद्भुत किले को महाकाल के भवन कृपा को देखती है, सारी चीजों को देखती है और वहां गुरु की बैठक है, वहां बैठ करके वो भजन भी करती है और देखती भी है। आप लोग समझ रहे होंगे कि बता तो रहे हैं, पता नहीं वहां गुरु की बैठक हो ना हो, भजन होता हो ना हो, पर जिसने किया वो तो जानते हैं, मैंने भी किया है मैं भी जानता हूं, आप करोगे तो आप भी जानोगे। और संसार में बताया वही जाता है जो देखा जाता है,
गोस्वामी जी ने लिखा वही है जो उन्होंने देखा है। इसी तरह जितने भी स्वामी आए उन्होंने जो देखा वही लिखा है। किस तरह का प्रभु भगवान है, जो अंदर में देखा उसको बाहर में लिख दिया, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारा भी काम बन जाए उसके लिए, वरना उनसे कोई मतलब नहीं, उनका तो कल्याण हो ही गया था। अब यहाँ सुनाया तुमको इसीलिए जा रहा है कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, बाकी कोई स्वार्थ मेरा नहीं ना मेरे सदगुरु का है, स्वार्थ तो आप लोगों का है। और हमारा स्वार्थ यही है कि हमारे गुरु का आदेश है कि इन सुरतो जीवात्माओं को उस देश की तरफ ले चलना है, बता देना। तो जो मुझे बताया वो तुम्हें बता रहे हैं, जो सतगुरु की वाणी मेरे लिए आदेश है वही आदेश आपके लिए। मैंने देखा तो आप भी देखेंगे, आप भी चलेंगे, फिर धीरे धीरे करके सब धाम में सुरत जीवात्मा पहुंच जाती है, सारी चीजों से फुर्सत मिल जाती है और परम पद भी प्राप्त हो जाता है। बोलो प्रेमियों सतगुरु जय।